हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन बी कैंपस आप लोग का बी कैंपस पे तहे दिल से स्वागत है मैं राजन साहू फ्रेंड्स बहुत दिन से एक अवेटेड टॉपिक हमारा है एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बी एच के एमबीए की मैं बात कर रहा हूँ बी में दो तरीके के एमबीए होते हैं फर्स्ट होता है जो आपके आई के थ्रू होता है बिग रेड एम वो भी होता है यहाँ पर एंड हमारे जो एफ में एम होता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में मैं उस एम की यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड टॉपिक्स की बात करूंगा एग्जाम क्या क्या आता है और आपको से उसके material मिलने वाले हैं और किस किस तरीके के कि आपके लाभ आपको हर जगह से मिलने वाले हैं इन सभी चीजों की मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं आप लोग से बता दू बीडब्ल्यू कैंपस का ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन यहाँ पर बी के यूजी पीजी एनसीच एस की तैयारी कराई जाती है तो अपने नियर अबाउट जितने भी लोग हैं अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनसे बताएं इस चीज़ को कि बी डब्ल्यू कैंपस का प्लेटफॉर्म रेडी टू तो सर्व है हमारे बीकॉम के कोर्सेज आ चुके हैं आप उन्हें अवेल करें और रजिस्टर्ड हो जाएं हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ने के लिए मतलब ऑनलाइन ही मतलब ऑफलाइन पढ़ने के लिए डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होने के लिए अब मैं बात करता हूँ एम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एक समय सीमा की बात कर लेता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को सोचने के लिए ठीक तो मैं बता दू वन ट्वेंटी क्वेश्चन आपके आते हैं एम बी ए के पेपर में जिसमें से दो घंटे का समय आपको मिलता है एक सौ बीस मिनट और यह होते हैं पर क्वेश्चन थ्री मार्क्स के थ्री सिक्सटी मार्क्स निगेटिव मार्किंग है तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप क्वेश्चन को राइट right अटैम्प्ट करने के पीछे जाए रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने बहुत ही मूल्यवान क्वेश्चन को लूज करेंगे ठीक है मैं आपको बता दूं 120 क्वेश्चंस जो आपके हैं 120 मिनट्स के लिए हैं अब आप एक अनुमान लगाइए एज एवरेज कि एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है ठीक और मैं इस चीज के बारे में आपको बता दूं बहुत ही पर्याप्त समय है दो घंटे का जो समय दिया है बहुत ही पर्याप्त है अभी जो मसला चल रहा है ऑनलाइन आ जाएगा एक कि ऑनलाइन एग्जाम होने लगेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी आसान हो जाएगा आपका समय ही बचाएगा क्योंकि ओमार भरने में जो समय जाता नहीं है आप एक ओमार भरने में जितना समय लगाते हो आप ऑनलाइन जब आ जाएगा हमारा मतलब काम आ जाएगा बी एच का टेस्ट लेने का तो आप और तेजी से एग्जाम कर पाओगे तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है आपको टाइम पर पर्याप्त मिल रहा है बस एक सेक्शन है जहां पर आपको टाइम की कमी लगने वाली है उस सेक्शन के लिए मैं टाइम निकालने का तरीका भी आप लोग को बताऊंगा अब मैं बात करता हूं इसमें आने वाले सारे सिलेबस के और कितने परसेंट कंज्यूम करता है वो सिलेबस उस और उसमें कितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं मैं आता हूं अपने सीधे टॉपिक्स पर ये आपके सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से एकेडमिक एप्टीट्यूड जो हमारा है उसमें दो टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है एंड इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आते हैं ठीक है दोस्तों इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आप सीबीएसई के काफी स्टूडेंट्स अपियर करते हैं एंड यूपी बोर्ड के भी एंड मेनी अदर बोर्ड्स के भी तो दिमाग से ये बिल्कुल हेजिटेट निकाल दें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहता हूं जो कि मैं अपने सभी आंगन सभी स्टूडेंट्स को देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को रीड करें एक दफा दो दफा तीन दफा जितनी बार आप रीड करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को आप और मेंटली क्लेरिफाई होते जाएंगे अपने एम को लेकर एंड एमबीशन को लेकर उसके प्रति ठीक है मैं अब आगे बात करता हूं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की जो इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है बहुत ही नॉर्मल लेवल का कॉम्प्रिहेंशन होता है बट ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ये बात याद रखिएगा कि जो चीजें आसान होती हैं इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं तो इस चीज का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि जितना समय आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे दोगे उतने समय में ही आप क्वांटिटेटिव भी सॉल्व करोगे ये बात हमेशा याद रखिएगा कुछ बच्चे ऐसे क्या होते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को पहले देख के जुट गए कि भाई साहब हम तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ही सॉल्व करेंगे बट आप हमेशा याद रखें कि पहले सेफ जोन चुनना चाहिए कि हम जो सबसे सटीक आंसर मार सके उसको कर लें नो डाउट आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही मजबूत है इसके बावजूद आप इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की तरफ नहीं जा सकते बिकॉज इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग एक छोटे से कॉन्सेप्ट की गलती की वजह से आपके प्रीवियस में सारे क्वेश्चन आप जो दस क्वेश्चन अटेम कर सकते हैं वो एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के चक्कर में खो देंगे अब मैं आगे बात बताता हूं आपको इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर मस्ट अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में आप टोटल के टोटल चांसेस हैं कि आप अचीव करें ठीक तो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आप बिल्कुल भी मत और मैं मेरी यही सलाह है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को आप लास्ट में टच करिएगा पहले नहीं इंग्लिश ग्रामर को आप पकड़ के होल्ड करके तुरंत सॉल्व करिएगा क्योंकि वो आपका बिल्कुल सटीक है और मैं आपको बता दूं कि 100 परसेंट अगर देखा जाए पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस को तो 20 परसेंट सेक्शन एकेडमिक एप्टीट्यूड कंज्यूम करता है जिसमें ट्वेंटी फोर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एक पोस्टर डिजाइन किया गया है पीडब्ल्यू कैंपस द्वारा आप हमारे एफ बी पेज पीडब्ल्यू कैंपस कैम्पस भी जाके उस पोस्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट है उसमें क्योंकि उसमें सारे सिलेबस भी दिए हैं एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स भी दी हुई है जितनी आपके एम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं तो इस चीज का आप विशेष ख्याल रखें और याद रखें एम का कोर्स जो एफ ओ कराती है वो स्पेशल कोर्सेज के तहत आता है तो इसकी फीस भी हाई होती है अब मैं बात करता हूं अपने अगले टॉपिक की क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 परसेंट कंज्यूम करता है जो कि 30 एमसीक्यूज़ बनते हैं 30 एमसीक्यू मतलब 30 एमसीक्यू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि मैथ सेक्शन से आने वाला है बट वो मैथ सेक्शन आपका टेन प्लस टू और एस लेवल की मैथ होती है जनरल मैथ होती है उसमें कोई भी आपको नो no डाउट आप प्रीवियस ईयर जब पढ़ेंगे तो आप आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसमें नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है सीआईएसआई की बात होती है एवरेज की बात होती है रेशियो एंड प्रपोर्सन की बात होती है एंड मेनी मोर थिंग्स उसमें होती हैं रेड बोट एंड स्ट्रीम सटेंस ये सारी चीजें जो होती हैं उसमें आती हैं एंड रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग भी काफी आसान लेवल की होती है रीजनिंग एबिलिटी ठीक है उसको भी आप अच्छे से सॉल्व हो जाए ब्लड रेशन का टॉपिक हो गया उसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के टॉपिक्स हो गए साथ में इसके जो हमारे और भी टॉपिक्स ऐड होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक्स होते हैं और बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स एरर्स से भी आते हैं रीजनिंग का जब आप देखेंगे तो रीजनिंग में सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है प्रैक्टिस करने की क्योंकि ये भी टाइम कंज्यूमिंग होता है आप ये बात याद रखिएगा क्वांटिटेटिव को आप जितने में सॉल्व कर सकोगे आप सटीक सॉल्व कर सकते हो बट रीजनिंग के टॉपिक्स भी कभी कभी हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं तो इस बात का तो ख्याल रखिएगा क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स दे रहे हैं जैसे इंग्लिश कॉम्प्रीहशन हो गया रीजनिंग एबिलिटी हो गई ये आपके और क्वांटिटेटिव हो गया ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाले टॉपिक्स हैं तो इनको आप थोड़ा सा डिले करके सॉल्व करें जो आपके सबसे अच्छे टॉपिक हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो फास्ट क्विक से तो उनको आप पहले सॉल्व करें अब मैं बात करता हूँ अपने तीसरे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का टॉपिक हमारे करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का टॉपिक है जिसमें हमारे तीसरे सेक्शन में दो सेक्शन बनते हैं एक करंट इकोनॉमिक अफेयर्स और दूसरा फाइनेंस सेक्शन करंट इकोनॉमिक अफेयर हमारे थर्टी एमसी पूछे जाते हैं एंड हमारे फाइनेंस से थर्टी सिक्स एमसी पूछे जाते हैं अब आप एक तरीके से देखेंगे आपसे पूछ लिए गए हैं जनरल अवेयरनेस के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिए गए हैं सिक्स इसका मतलब कि टोटल एग्जाम में अगर वन ट्वेंटी क्वेश्चन है तो सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन जो हमारे हैं करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स एंड फाइनेंस से पूछ लिए गए हैं तो आपको कहां पे ध्यान देना है आप दिमाग लगा लीजिए कि आपको ध्यान कहां पे देना है आपको ध्यान ज्यादा ज्यादा इन्हीं टॉपिक्स पे देना है क्योंकि 66 ये कंज्यूम कर रहा है साथ में 12 क्वेश्चन अगर हम इसे इंग्लिश ग्रामर का मान लेते हैं ठीक है और 15 इसे मान लेते हैं तो आप एक तरीके से देखेंगे आप एक सेफ जोन में अपने आप पहुंच जाते हैं इंटर कर लेते हैं और मैं इसकी बात करूं तो करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स एंड फाइनेंस तो इसकी जो हमारी बिजनेस की मैगजीन आती हैं ये बहुत ही फायदेमंद होती हैं अभी आप जब उस पोस्टर को देखेंगे जिस पोस्टर में सारी चीजें मैंने डिटेल्स दी हैं तो वहां पर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि, कि करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स के जो टॉपिक हमारे हैं वो कैसे कैसे हैं जैसे हमारे माइक्रो एंड मेक्रो पॉलिसीज है मॉनिटरी पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी है टैक्सेशन पॉलिसी है चेंज इन इंटरनेशनल पॉलिसी है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है हमारे जितने इसमें दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स इस तरीके से कवर अप हो गए हैं अब मैं बात करता हूं अपने सेक्शन थ्री की फाइनेंस की जिसमें था आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेसेस इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन इंश्योरेंस रिस्क इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेटरी इशूज अब आप एक तरीके से ये जब मैंने सारे नाम आपको गिनाए तो आप ये आप जान जाइए कि ये जितने भी आपके फाइनेंस एंड हमारे करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स के टॉपिक हैं ये फुल्ली बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बेस्ड है जो कि इसमें से करंट्स के टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी उठाए ही जाते हैं तो जब आप 2018 का देखेंगे तो ये मत सोचिएगा कि 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आए हैं वो 2016 और 17 को करंट में देख कर आए हैं ठीक तो वो प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा वो आपके लिए वो सेक्शन जो कि पिछले साल में पूछा गया था इस साल अगर प्रॉफिटेबल कोई सेक्शन होगा तो आपके करंट इकोनॉमिक्स अफेयर से मैं बता रहा हूं आपका इस साल का होगा कि 2018 और 17 बैक एंड मतलब जब अंतिम का समय था उसको आप देखिएगा प्रीवियस के डेढ़ से दो साल के करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स को बढ़िया से सॉल्व करिएगा अब मैं बात करता हूं सबसे अपने खास टॉपिक की कट ऑफ की जो कि सब बच्चे अमूमन पूछते ही पूछते हैं तो मैं जनरल वे में आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं कट ऑफ की मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका कट ऑफ है आप अगर थ्री सिक्सटी मार्क्स है तो आप एक बात याद रखिये मैं सेफ जोन की यहां बात करता हूं कि आपके लिए सेफ जोन क्या होने वाला है और जिसमें आप अच्छे से इसको एंटर कर सकते हैं तो सेफ जोन आपका इसमें से टू हंड्रेड प्लस मार्क्स है टू हंड्रेड प्लस मार्क्स आप रखिएगा ही बिकॉज ये जितने टॉपिक्स हैं इसमें टू हंड्रेड प्लस मार्क्स होना जरूरी है टू हंड्रेड प्लस मार्क्स रखते हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप इंटर कर जाएंगे और जब एक मेरिट लिस्ट बनेगी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए तो वहां पर जब एक सेफ जोन में आप रहेंगे तो मेरिट लिस्ट में आप टॉप पे रहेंगे तो आपको एक एज मिल जाता है उस डिस्कशन में और उस इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और एक नंबर गेन करने के प्रोस्पेक्टिव से भी आप हाई लेवल पे रहते हैं क्योंकि आपने ज्यादा नंबर गेन किया है यहाँ पर तो आपके लिए इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन थोड़ा सा हल्का हो जाता है अगर वही आपने कम नंबर गेन किया है तो आपके लिए ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू थोड़ा सा टफ हो जाता है इसीलिए आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करिए वो भी प्रॉफिट वे में और याद रखिए आप अपने एजुकेशन में जे कर बनाएं और अच्छे से अपनी स्टडी को करें हम यहां पर एम कॉम के कोर्सेज अपने लॉन्च कर रहे हैं आने वाले समय में जिससे कि हम अच्छे से बच्चों को अपने अंडर में प्रीमियम सर्विसेज के तहत पढ़ाएंगे बीकॉम के भी कोर्स लॉन्च हो गए हैं और साथ ही साथ हमारे सी के भी कोर्सेज आ रहे हैं अगर बच्चों आप लोग चाहते हैं कि एम के कोर्स भी लॉन्च होने चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मैंशन करिएगा अगर हमें लगेगा कि आप लोग का रुझान एम के प्रति है तो मैं अपनी टीम से जरूर बात करूंगा कि वो एम के कोर्सेज आप लोग के लिए लॉन्च करें और फ्रेंड्स आप बी डब्ल्यू कैंपस को फॉलो करने के लिए बी डब्ल्यू कैंपस के ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू डॉट बी डब्ल्यू कैंपस डॉट कॉम पर आप जा सकते हैं वहां पर बी और सी के काफी प्रीवियस ईयर पेपर्स रखे हुए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं इन फ्यूचर एम बी एन एग्री बिजनेस के बारे में भी मैं लेके आऊंगा पूरा सेगमेंट आप उसके लिए भी रहिएगा और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को आगे के आपके अपडेट्स मिलने के लिए और चीजों को समझने के लिए हमसे जुड़िए इस प्यारे से परिवार का आप भी एक सदस्य हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर बीडब्ल्यू कैंपस डॉट कॉम पर नहीं मिल रहे हैं तो आप बी एच ओ ऑनलाइन डॉट इन पर भी जा सकते हैं वहां पर बी एच ओ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप पेपर्स ले सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम यानी मेरा इंस्टाग्राम है राजन साहू जीरो वन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज को अच्छे से जान सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक में एमबीएन एग्री बिजनेस के टॉपिक में तब तक के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट